Good morning, students. Today, one more video for 9th standard. Concept है loss of exponent. Next topic के जा रहे हम लोग formula सीखने जा रहे So, here a raise to m into a raise to n. अगर दो terms ऐसे रहेंगे, यहाँ पे देखो a raise to m into a raise to n. ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों का base same है, दोनों में same number है. और पावर डिफरेंट है. पावर की बात तो चलो, पावर की बात ही छोड़ दो. दोनों बेस सेम है और इनटू हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा? पावर ऐड होगा, याद रखना है. एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, मैं आपको थोड़ा क्लियर आउट ही कर देता हूँ. टू रेस टू थ्री इंटू टू रेस टू फोर, अगर ऐसा रहा, दोनों का बेस सेम है, सो टू कॉमन ले लेंगे और पावर क्या होगा? इंटू है तो प्लस, थ्री प्लस फोर दैट इज टू रेस टू सेवन. सपोज ये इसकी केस में ऐसा ले लेता हूँ, थ्री रेस टू टू इंटू टू रेस टू फोर ले लेते, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि दोनों का बेस डिफरेंट है. बेस सेम होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. स्टूडेंट्स, मेरा कहना वही है. नेक्स्ट, तो उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है. इधर सेवन रेस टू थ्री इंटू सेवन रेस टू टू है, एंड यू नो द दोनों का बेस सेम होने के कारण से, ओके, सेवन कॉमन ले लिया और ऊपर के दोनों पावर ऐड कर लिए. सो ऊपर का पावर क्या है? थ्री प्लस टू दैट इज फाइव. ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. थैंक यू स्टूडेंट्स.